सो हाय एवरीवन, दिस इज मी अंजलि एंड यू आर वाचिंग अंजलि बिस व्लॉग। तो आज अभी बज रहा है शाम का 8। मैं रो रही हूँ लिटरली, क्योंकि गुनगुन वहाँ प्याज काट रहा है। मुझे इतने दूर से मुझे इतनी मिर्ची लग रही थी खतरनाक वाली। ये देखो आसो, चलो मैं दिखाती हूँ उनके किचन में क्या बन रहा है। गुनगुन आज आप क्या बना रही हो मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगी। मैं आज चिकन बना रही हूँ और भात बना रही हूँ और दीक्षिता दी के लिए फ्राइड राइस, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। उनके उसमें पनीर डलेगा क्योंकि पनीर चिकन के मुकाबला कर सकता है। मेनली जो वेजिटेरियन होता है उनके लिए चिकन बराबर पनीर रहता है। समझ ही गए होंगे। तो आज हम सारी गंदे हाउस है। अभी मैं जा रही हूँ तहखाने में, सॉरी नीचे वाले कमरे में जा रही हूँ बंद करने। दरवाजा बंद है, ओके पर्दा लगा दो। और ये रही मैं, और इसका स्विच है कहाँ मुझे नहीं दिख रहा कहीं। किस जमाने से तू मेरी दोस्त? वो बहुत जवाने से, बट मैं भूल गई हूँ। जो कौन है ये कुत्ते मुझे डरा रहे। चलो चलो भागो। यहाँ थोड़ा काम चल रहा है। ये दो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। हमारा चिकन मसाला और ये रहा गरम मसाला। और हम बता सकते और इससे हमारे चिकन में आएगी जान। हाँ, हम आपको रेसिपी भी बता सकते हैं। चिकन में जान आएगी तो खाएंगे ऐसे पागल। चिकन का बात जान मतलब टेस्टी, जान मतलब हमारे को स्वाद आएगा, स्वाद। कुछ लोग सो चुके, आलसी लोग, दो 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 लहसुन छिले, थक गए बेचारे। सुनिए, किसे ब्लॉग में डालना? हाँ, 8 हाथ जोड़, फिर हाथ तो जोड़ ही नहीं दिए तू। हाँ गुड। ये रहा हमारा छोटू क्यूटू मिक्सी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता है जो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के यूज होता है जो। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका यूज करना। जब छोटे बच्चों को काम करने के लिए दे देते हैं। जब छोटे बच्चों को काम करने के लिए दिया जाता है। अंजलि तूने इसे व्लॉग में काटा तो पिट जाएगी। अरे मैं पहली बार सीख रही हूँ तो मुझे थोड़ी पता था ऐसा होगा। हाँ फिर भी ना मजे तो लेंगे हम तेरे। उस पे रस्ते खींचनी पड़ती है, मैंने आंटी को देखा था करते हुए। हम लाख कुछ से कहूँगी। ये माई शेफ। मैंने टाइट से नहीं पकड़ा ना, अब मैं करके दिखाऊंगी। दोस्तों गलती से इंसान सीखता है और मैंने सीख लिया। तो मस्त है, यहाँ से दिखा, रस्सी भी दिखा। देखो जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है सजुई। घर में कुछ नहीं करती है तो यार, मैंने कल ही ब्लॉग डाला खाने का। चलो आप देखते हैं इसके अंदर। ये कैच मसाले हैं। हो गया ना थोड़ा? नहीं ये तो नीचे नीचे कम होता जाएगा, तो ये कैसे करेगा? तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद, बंद कर दे कैमरा। तो हमारी मिक्सी जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के यूज से चलती है, उसमें इतना पिस चुका है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा मतलब। और गुनगुन ने प्याज और गरम मसाला और चिकन मसाला मसाला डाल दिया। तूने डाल दिया तेल के ऊपर। अभिनीता कूट रही है लहसुन। यस, आप देख सकते हैं लकड़ी का उबल है, कितना प्यारा है क्यूट का। यहाँ पे हम अपने प्याज जो मसाला डाला है उसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, फ्राई करेंगे। हाँ ठीक है, अब उन्होंने सारे मसाले डाल दिए इसमें। हमारा खिड़की से व्यू एकदम डरावना है। हाँ
जितना बचा और डाल ना, गुनगुन डाली इसमें टमाटर। हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है जो बहुत टेस्टी लग रही है। कुछ डालना तो नहीं भूल ना, गुनगुन ने सारा चिकन ऐड कर लिया, एक लास्ट बचा है तो हमें दिखा देती वो क्यूट लग रहा है फेंका तूने। चलो हमारा चिकन अब थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। अब आपको बता दी तो चिकन को पहले पहले चिकन को बिना पानी डाले सीटी लगाना चाहिए और पहले अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि चिकन में पानी आता है पहले से, चिकन में बहुत पानी होता है तो उसमें रस आपको ऐसे ही आ जाएगा, आपको बिना स्पिन मिल जाएगा। फिर बाद में सेकंड टाइम आप डाल सकते हो अगर आपको ज्यादा तरी आता चाहिए। अच्छा ठीक है, तरी वाला चाहिए तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं गुनगुन। हाँ, एक सीटी के बाद। ओके शेफ की हमने जानकारी ले ली, जो ये टिप्स देना चाहती थी चिकन बनाने के लिए। थैंक यू शेफ फॉर दिस नॉलेज। अभी अभी हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, टेस्ट करेंगे उसके बाद बनाएंगे ये शेफ है क्या नहीं। गुनगुन लाइन बोला ढूंढती हूँ। जब गुनगुन बंद करेगी हमारे चिकन प्यारे को नहीं हो रहा। पानी डाला तूने इसमें? अभी बाद में डालेंगे ना इसमें। तो बिना पानी के एक सीटी लगवानी है चिकन में, दो सीटी फिर उसके बाद अगर आपको ग्रेवी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप डाल देना पानी। तो 9 बज चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे और ये लोग लंबसार हो चुके हैं, मतलब लेट रह गए हैं अभी भी, अभी अभी मतलब अभी तक तो नाच ही रहे थे। अब बाहर दिखाती हूँ कैसा सीन है मेरा, महिला पुलिस थाना तो कोई डर नहीं है, बगल में ही। मैं वही खाना तो दोस्तों खाना आ चुका है, बन चुका है ये वाला। तो दीक्षिता चिकन नहीं खाएंगी इसलिए इसके लिए भात बना रखे हमने, भात 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 यार। दीक्षु पहले मैं भी नहीं खाती थी, फिर मैंने सोचा क्या करूंगी, इतनी मुर्गियां बच जाएंगी मेरे बदले कोई और खा लेगा, फिर मैं खाने लग गई। कोई बात नहीं, अगले जन्म में हम मुर्गा बनेंगे तो हमें भी कोई खाएगा ही, कोई बात नहीं है कि नहीं, वी आर रेडी फॉर दैट। है ना, आजकल के बच्चों को पता क्या हो गया, खाने से सबसे बड़ी स्नैपचैट की एडिक्शन वाली लड़की ये, खाने से पहले स्नैपचैट करते हैं बच्चे आजकल के। दोस्तों आपको मेरी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे तो आपको देखो, आप गौर से देखो दिख रहे हैं। तो मेरे साथ अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मेरे दोस्त मेरे बगल में बैठ के किसी और का व्लॉग देख रहे हैं और मेरा पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा इन्होंने, और ये है ये मोहित चिकारा का व्लॉग देख रही है, अंजलि बिस का व्लॉग नहीं देख रही, इसको शर्म नहीं आई, इस लड़की को शर्म नहीं आई। चलो राइट नाउ आई एम हार्ट ब्रोकन निब्बी, मैं रोने जा रही पर्दे के पीछे। लड़की मैड्रिड के एक हॉस्पिटल में कोमा में थी और यही इसकी मौत भी हो गई थी। अजीब बात ये थी कि डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों तो दीक्षिता सो चुकी है और हम लोग मूवी गुड नाइट में इस बोर्ड को रखा और इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए। पानिया ने अपनी बहन की ड्यूटी लगाई कि ये क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी रहे, ताकि ये औरत चीख रही थी कि जल्दी हमारे घर आ जाओ क्योंकि यहाँ वो आ गया है। तो राइट नाउ हम लोग अपना डिनर खा रहे हैं, तो देखिए वी आर हैविंग आवर डिनर। ये मेरी प्लेट,
ये रही इसकी प्लेट, विनीता की प्लेट, ये रही गुनगुन की प्लेट। तो आप बताइए विनीता कैसा लग रहा है आपको चिकन जो गुनगुन ने बनाया, टॉप क्लास। आप बताइए आपको अपने स्वाद में आज कितने मार्क्स देना चाहेंगे 10 में से? गंदा आज अच्छा नहीं लगा तुम्हें? बट मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसने बहुत टेस्टी बनाया। बस जरा सी मिर्ची लग रही है, यहाँ देख इसको देखो तो लग रहा रियल लाल होगी गुनगुन, तो लिटरली वीडियो में लाल दिख रही है तू आंटी। तो दोस्तों हम डिनर कर चुके बट ये बंदी लेटर वहां से नाश्ते नाश्ते खा रही है, तो अभी अभिनीता अभी तक खाना नहीं खा सर, पूरा दिखाना ठीक है। अच्छा ठीक है, there are a variety of song choices, yes even in english and in तो अब सबकी नींद खुल चुकी है, दीक्षिता की भी खुल चुकी है नींद। दीक्षिता उठ जा। तो हमने दीक्षिता को उठाया क्योंकि बिस्तर में बहुत कूड़ा गिरा हुआ था, मतलब खाना गिरा दिया था हमने, तो उसको साफ करना जरूरी है। तो गंदे सपने आते थे और कल ही कल मुझे गंदे सपने आए, इसलिए मेरे को तो ये रिस्क नहीं लेना था, मुझे बहुत डर लगी थी। ये क्या कर रहा तुम लोग? तो हम लोग ऊपर सो रहे और ये गरीब पार्टी नीचे सो रही है। गुड नाइट। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाने आऊंगी कि हम तीनों का जो कंबल है, मतलब मेरा चादर, इन दोनों का कंबल, तो वो लैवेंडर कलर का। तो हम ट्विनिंग कर रहे हैं गाइस, वी आर ट्विनिंग। इधर तो देखो गाइस, देखो इधर को, हम सबको पर्पल कलर का है। तो दोस्तों अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, ये जूही और विनीता पता नहीं क्या क्या भूतवाड़ा देख रहे थे और अभी लाइट खोल के सोने की तैयारी कर रहे हैं और मेरी नींद खुल दी इन्होंने। इतने बदतमीज है ना, मुझे नींद नहीं आने वाली क्योंकि मैं लाइट में सोती ही नहीं हूँ, मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा बट मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये दोनों कितने मज़े से सो रहे हैं यार, सीरियसली इतना लाइट में कैसे कोई सो सकता है, मेरी तो नींद ही खुल जाती है लाइट में। सो शिट लाइफ। चलो बाय, गुड नाइट। चलो मैं सोने की कोशिश करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब लोग सही होंगे। यहाँ इन लोगों की अलग चूरन बंदी चली है। दीक्षिता हम सो रहे, कल रात सबसे पहले सो गए थे, हम सबकी इतनी गंदी गंदी तस्वीरें खींचे इसने, किसी का मुंह खुला है किसी का क्या। दीक्षिता दी आपकी आपकी नींद कैसी आई बताइए? बहुत बुरी नींद, अच्छी मिल जाएगी इनको तो अच्छी आई है। कुंभकर्ण की चाची, एकदम कुंभकर्ण की चाची यार, लाइट ऑन करके इसको नींद आई ढरी यार, अभी से सो रही है। अरे तुम लाइट ऑन करो, लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आनी है। दोस्तों कैन आई गेट अ कप ऑफ टी? तो दोस्तों फाइनली मुझे चाय नसीब होगी जिसमें तीन लोगों का हाथ है। सबसे पहले दीक्षिता देव अपनी शक्ल दिखा ले शक्ल, इसने पहले चाय बनाई और वो आधी ही, मतलब हम लोग कितना है, हम पांच लोग हैं, मैं चार सोचती थी हम पांच लोग हैं और इसने चाय इतनी सी रखी थी, इतनी सी इतराड़ी सी। और फिर गुनगुन बोली इतनी सी क्या होगा, फिर हमने दोबारा फिर गुनगुन गई, फिर विनीता ने पता नहीं क्या हाथ डाला, क्या करा तुमने? उसने और चाय पत्ती डाली और चाय चढ़ाई, क्वांटिटी का हिसाब नहीं पता, मेरी मम्मी मुझे गाली देगी। तुझे कौन सा पता है बेटा? बेटा अंजलि पता, तुमने डाला, मेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी, मत कर रहे। तो मेरे घर आ जाना ठीक है, मेरे को ब्लॉग करना है। तो दीक्षु अपने घर जा रही है, बाय दीक्षु, अच्छे से जाना। मैं थोड़ा फाइनली अब हम जा रहे हैं, तो ये व्लॉग खत्म कर रहे हैं, हमने दूध दुकान से ले लिया, अब हम घर को जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।